हाय एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी। आज का टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये प्लेलिस्ट का 10th वीडियो है और इससे पहले वाले वीडियो में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ा था, यानी कि टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। तो उन 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हम, क्योंकि जब इन्वर्स फाइंड करेंगे तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ होगा। तो आप सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उससे आपको यहाँ पे जब इन्वर्स हम फाइंड करेंगे तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का जब यूज़ होगा तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपको अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन आ रहा है तो क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात करेंगे, इसके बाद हम इन्वर्स देखेंगे किसी मैट्रिक्स का। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स की ज़रूरत है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। यहाँ पे दो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, सेम है। हम यहाँ पे सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे ए एंड बी। देन इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई, यानी कि ए एंड बी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर सेम है। यानी कि अगर मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा सेम ऑर्डर का। ठीक है, ए और बी का जो ऑर्डर है वो सेम है और जब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर का होगा। यानी कि अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो हमने दो मैट्रिक्स लिया सेम ऑर्डर का, तो उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट आया वो आई आया है। यानी कि ए यहाँ पे बी जो है, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इस केस में हम बी क्या लेंगे, इनवर्स लेंगे ए का, यानी कि बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। ए इनवर्स को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो है वो बी क्या है, इनवर्स है ए का। यानी कि अगर हमारा कोई एक मैट्रिक्स है ए, सपोज ए मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, इस मैट्रिक्स को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हुआ है कि ए एक मैट्रिक्स है जिसमें बी जो है वो इनवर्स है ए का। ठीक है, बी ए का इनवर्स है, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे बी क्या है, ए क्या है, ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी, ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी। या तो हम ये बोले कि यहाँ पे, या तो हम ये बोले कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, या फिर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। यहाँ पे जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन के लिए भी अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है, तो हम कह सकते हैं ए इज द इनवर्स ऑफ बी और बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, अच्छा, ये जो इनवर्स है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एग्जिस्ट करता है। हम अगर बोले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या इनवर्स पजेस करती है, यानी कि एग्जिस्ट करती है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही इनवर्स निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं इनवर्स, बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्यों नहीं निकाल सकते, चलिए देखते हैं। पहली बात,
कि हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए को बी से, बी को ए से, ठीक है। तो सपोज हमने ए को बी से मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है दो, ए एंड बी। तो जब ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं। अगर ए पॉसिबल है तो ठीक है, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब हम इसी दो मैट्रिक्स को बी ए करें, ठीक, तो इसमें ये जो बी ए है ये एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है हमारा ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हमें पता नहीं कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे जो है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, और इन केस एग्जिस्ट कर रहा है बी ए, ठीक है, यानी कि दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स केस में ये इक्वल नहीं होता, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ ये हो गया, तो इस वजह से क्या होगा, इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा रेक्टेंगुलर केस में, इसलिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स में ही इनवर्स फाइंड करते। तो अब अभी अगर हम इनवर्स फाइंड करेंगे, अभी एक क्वेश्चन करेंगे, तो उस क्वेश्चन में हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तो बात होगी ही नहीं, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि इनवर्स जब निकालेंगे तब स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज़ होगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल, यानी कि ए इज सेट टू बी इन्वर्टिबल, और इस केस में हम कह सकते हैं बी इज सेट टू बी इन्वर्टिबल, ठीक है। सो एग्जांपल देख लेते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का। सपोज एक मैट्रिक्स है ए एंड बी एक मैट्रिक्स है ठीक। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ए बी यहाँ पे जो ऑर्डर है 2x2 है और ये भी 2x2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऑर्डर आएगा वो भी 2x2 आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा इसका, यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4-3, एंड जब सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो से तो आएगा 6-6+6, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा माइनस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2-2, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3+4, तो ये आ जाएगा 1-0-0-1, ठीक। तो ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट। जब ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इससे क्या पता चलता है, या तो ए बी का इन्वर्स होगा या बी ए का इन्वर्स होगा, ठीक है। तो कोई एक मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा, तभी हमारा जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यार जो पहली कंडीशन है वो हो गई, होना क्या चाहिए था, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई। तो ए बी हमने निकाला, आइडेंटिटी आ गया। अब बी ए निकालेंगे, तो जब बी ए निकालेंगे मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स बी करेंगे तो भी हमारा जो मैट्रिक्स आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई है, ठीक है, ये इक्वल है। यानी कि ये क्या कहलाएगा, ए या तो एक इस ए को कहेंगे कि ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल, और हम कह सकते हैं बी इज कॉल्ड इन्वर्टिबल, ठीक है। तो ये इन्वर्टिबल हो गया मैट्रिक्स का। अब हम देखेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। सो अब क्या देखना है हमें, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहाँ पे इनवर्स की बात करेंगे किसी मैट्रिक्स का बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज़ करके। तो बेसिकली हमारे पास छः ऑपरेशंस हैं, छः एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसमें से तीन जो है वो रो के अलॉन्ग है प्लस 3 कॉलम के अलॉन्ग है, ठीक है। तो टोटल 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस है हमारे पास, यानी कि 3 रो के अलॉन्ग और 3 कॉलम के अलॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं तो या तो हम रो के अलॉन्ग ऑपरेशन यूज करते हैं या फिर कॉलम के अलॉन्ग एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें सबसे पहले रो के अलॉन्ग यूज करना है, ठीक है, पहला दो केस है तो देख लेते हैं। पहला है रो यूजिंग
जब इनवर्स फाइंड करते हैं तो इनवर्स फाइंड करने के लिए अगर हम रो यूज़ करते हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या हो कंडीशन होगा और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए क्या कंडीशन होगा, ठीक है। यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक। तो अगर हमें रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करना है तो इसके लिए हम ए इज इक्वल्स टू आई ए, इसका जो मेथड है ये कुछ इस तरीके से है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है ए, सपोज ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए अगर हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो उस ए इज इक्वल्स टू आई ए, यानी कि जो मैट्रिक्स दी गई है पहले उस मैट्रिक्स को लिखेंगे, यानी कि ठीक, और इक्वल्स टू आई यानी कि आइडेंटिटी, उसी ऑर्डर का हम आइडेंटिटी लेंगे, आइडेंटिटी को उसी मैट्रिक्स यानी कि ए जो दिया गया है उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा ये आई है और ये ए, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें कुछ चेंजेस होंगे, बट जो मैट्रिक्स ए यहाँ पे हमने आई के बाद लिखा है वो मैट्रिक्स एज इट इज़ हम पूरे क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसमें कोई, इसको बस ऐसे ही ए जैसे लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। तो हम जब सॉल्यूशन करेंगे यानी कि सॉल्व करेंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे? टिल वी गेट आई इज इक्वल्स टू बी ए। तो ये कैसे आएगा आई इज इक्वल्स टू बी ए? यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये आएगा कैसे? जब हम ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंजेस लाएंगे, ठीक है। ए एज इट इज लिखा है, ठीक, ए ऐसे ही रहेगा। तो ए में क्या करना है हमें? जो मैट्रिक्स दी गई है ए, उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते, ठीक है, ऑपरेशन यूज़ करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन, वही एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज़ करेंगे यहाँ मैट्रिक्स ए को, ए के लिए भी और मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी, ठीक। तो यानी कि इन दोनों में चेंजेस होंगे, जो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स में वो ऑपरेशन अप्लाई होगा, ठीक। तो ये जो चेंज होगा ए आई में आ जाएगा, यानी इसे हम जो मैट्रिक्स ए है उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, और जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसे कुछ बी के फॉर्म में हमारा आ जाएगा, ठीक। जब हम ऑपरेशंस एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो वो जो मैट्रिक्स आएगा वो लगभग कुछ बी फॉर्म में, सपोज बी फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनवर्स फाइंड कर लेंगे, ठीक, और बी जो है वो इनवर्स हो जाएगा, ओके। यहाँ बी जो है वो ए का इनवर्स हो जाएगा, तो हम इस बी को ही फाइंड करेंगे। सेकेंड मेथड है यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। इस केस में क्या होगा? यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन में यहाँ पे आई ए की जगह पे हम ए आई कर देंगे, ठीक है। कॉलम के लिए जब यूज करेंगे तो ए इज इक्वल्स टू ए आई, यहाँ पे हमने आई ए किया था, रो के लिए आई ए किया था और कॉलम के लिए ए आई किया था। तो हम अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आप रो एलिमेंट्री यूज़ करो या कॉलम एलिमेंट्री यूज़ करो, तो आप दोनों में से कोई भी रो या कॉलम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर दिया गया है क्वेश्चन में कि कॉलम एलिमेंट्री यूज़ करना है तो आप यही यूज़ करोगे, और रो एलिमेंट्री दिया है तो आप ये यूज़ करोगे, ठीक है। तो कॉलम एलिमेंट्री के लिए है, ठीक। तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, इसमें भी यहाँ पर हम जाएंगे I इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक। यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना और हमारा जो आंसर आएगा लगभग I इज इक्वल्स टू ए बी, जिसमें से B जो है वो इनवर्स हो जाएगा। B क्या हो जाएगा? इनवर्स, ठीक। तो यहाँ पे भी जो A है इसमें चेंजेस होगा और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें चेंजेस होगा, यानी कि इन दोनों
मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. इस तरीके से हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं दो मेथड से, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन. सो क्वेश्चन क्या है, बाई यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए. ठीक, इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना है. तो दिया क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन. एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके हम इनवर्स फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करें या कॉलम एलिमेंट्री. तो हम कॉलम भी यूज कर सकते हैं और रो भी यूज कर सकते हैं. तो चलिए कोई एक यूज करते हैं, रो यूज करते हैं सपोज. ठीक, आप कॉलम भी यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे दिया गया है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1, 2, 2, -1. ठीक, तो अब अगर हमें अप्लाई करना है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा कि हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं या फिर कॉलम एलिमेंट्री यूज़ कर रहे हैं. तो सब हम रो यूज़ कर रहे हैं, इसलिए रो एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर बाय बाय रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ए इज इक्वल्स टू आई ए. ठीक, ये होता है ए इज इक्वल्स टू आई ए. तो चलिए देखते कैसे करना है इसे. सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे. ठीक, मैट्रिक्स ए क्या है, 1, 2, 2, -1. मैट्रिक्स ए लिख लिया. अब आई लिखना है, सेम ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, यानी कि 1, 0, 0, 1. अब जो ए है मैट्रिक्स ए, इसे एज इट इज लिख देंगे और आगे भी ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे. तो बेसिकली हमने 6 ऑपरेशंस पढ़े थे, यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जिसमें से रो 3 रो के अलोंग था और 3 कॉलम के अलोंग था. तो जो हमारा 3 ऑपरेशन था वो है सपोज R1, किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते. तो हम रो अभी रो के अलोंग लिख रहे हैं, तो रो क्योंकि हमें रो के रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करना है, इसलिए हम रो के लिए लिख देते हैं यहाँ पे. तो यानी कि सपोज किसी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उससे इस तरीके से लिखेंगे. सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड ऑपरेशन जो है वो है किसी भी कॉन्स्टेंट से किसी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सपोज हमारा कॉन्स्टेंट 7 है, तो R1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया. थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है प्लस माइनस यूज कर सकते. ठीक, किसी रो को मल्टीप्लाई करके कॉन्स्टेंट से उसे किसी दूसरे रो से प्लस या माइनस कर सकते. ठीक है, तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है. इन्हीं 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और फिर इनवर्स फाइंड करेंगे. तो जो हम ये जो 3 ऑपरेशन है इसमें भी यूज़ करेंगे और इसमें भी यूज़ करेंगे. ठीक है, दोनों में अप्लाई होगा, जो भी ऑपरेशन हम लेंगे वो दोनों मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स को ए करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है. तो आइडेंटिटी बनाने के लिए 1, 0, 0, 1 होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे 1 दिया गया है. ठीक है, इसको टच नहीं करेंगे. करना क्या है हमें, इसे 0 करना है, इसे 0 करना है और इसे 1 बनाना है. तो सबसे पहले फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है. ठीक, तो सबसे पहले हम इसे 0 कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है. तो अगर हम इसे फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके और सेकेंड रो से माइनस कर दे तो 0 आ जाएगा इस प्लेस पे. यानी कि R2 को क्या करना है, R2 -2R1. तो करते हैं इसको. जब R2 क्या है हमारा, ये R2 है, रो सेकेंड रो है, फर्स्ट रो क्या है 1, 2, यानी कि इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब 2 से मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस करेंगे तो यहाँ पहले 1, 2 लिख देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है. तो ये 0 हो जाएगा. अब यहाँ पे -2 है, तो सॉरी -1 है, यानी कि -1 -2R1 यानी कि 4, यानी कि -(-+-5). ठीक, यानी कि -5, ये हो गया. अब यही चीज़ इसमें भी देखना है,
सबसे पहले 1 0 को ऐसे ही लिख देते हैं, चेंजेस सेकेंड रो में लाना है, इसलिए सेकेंड रो को क्या करना है, ये सेकेंड रो है, इस रो में 0 दिया गया है, तो और फर्स्ट वाले रो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -2 आ जाएगा, ठीक। और इसमें यहाँ पे ऐसे ही बन रहेगा, ठीक। और ये जो ए है इसको ऐसे लिख देंगे। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक। ये जो फर्स्ट कॉलम है वो कंप्लीट हो गया, सेकंड कॉलम बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे 1 लाना है। तो सबसे पहले हम 1 ले आते हैं, 1 बहुत आसानी से आ जाता है, यहाँ पे 0 है इसलिए। तो अगर यहाँ पे 1 लाना है तो हम -1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड रो को, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो करेंगे क्या, R2 को क्या करना है, -1/5 को मल्टीप्लाई कर देना R2 से, ठीक। तो इसके लिए हम यहाँ पे जब ये ऐसे 1 2 हो जाएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और -1/5 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में 1 आ जाएगा। अगेन इसमें अप्लाई करेंगे सेम चीज़, तो वह यहाँ 1 0 ऐसे लिख देंगे क्योंकि सेकेंड रो के लिए कर रहे हैं, और जब सेकेंड रो में -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ +2/5 हो जाएगा, और यहाँ पे -1/5 हो जाएगा, ठीक। अब क्या देखना है, यहाँ पे बेसिकली हमारा जो ये 2 है, यहाँ पे 0 लाना है, सिर्फ ये 2 जो वैल्यू है यहाँ पे 0 लाएंगे तो यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। करना क्या है, R2 को क्या करना है, सॉरी R1 को क्या करना है, R1 -2R2, ठीक। ये ऑपरेशन अप्लाई होगा, यहाँ पे A लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ 1 ही रहेगा, R1 -2R यानी 0 है इसलिए, और ये 0 और ये 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसके लिए भी यही चीज़ करेंगे, तो R1 हमारा ये है और R2, इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में चेंजेस लाने, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/5 हो जाएगा ये, और फिर यहाँ पे माइनस जब करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, ठीक। और ये जो है ऐसे लिख देंगे 2/5, और ये हो जाएगा -1/5, और ये A, ठीक। अब हमारा जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, और जो ये मैट्रिक्स B है ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया, I = BA रो के लिए अप्लाई होता है। जब जब हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे जो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचेंगे वैसे ही हमें पता चल जाएगा जो B है वो क्या है, इनवर्स है, ठीक है। वो B जो है A का इनवर्स है, तो यानी कि जो B है हमारा वो A का इनवर्स है। तो जो हमने इनवर्स फाइंड किया है मैट्रिक्स A का, वो क्या आया, 1/5, 2/5, 2/5, -1/5, तो ये क्या है, हमारा इनवर्स है। किसका इनवर्स है, A का, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं A इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनवर्स। तो इस तरीके से हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप रो एलिमेंट्री यूज़ करते हो या फिर कॉलम एलिमेंट्री। अगर क्वेश्चन में दिया है कि रो एलिमेंट्री यूज़ करना या फिर कॉलम एलिमेंट्री, तो हम वही एलिमेंट्री यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन जो अप्लाई हो रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा ऑपरेशन कब अप्लाई करें जिससे हमारा जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो बन जाए, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखना क्या है कि इसमें कहाँ पे 1 है और कहाँ पे 0 है। जहाँ पे 1 और 0 करना है उस पोजीशन को देखना है अच्छे तरीके से, और फिर एनालाइज करके कुछ इस तरीके से ऑपरेशन यूज़ करना है कि बस वो आइडेंटिटी बन जाए, वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है। जैसे ही हमारा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा वैसे ही हमें इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजिली आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट होता है ये, तो आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। और ये तो सेकेंड ऑर्डर का हमने बताया, थर्ड ऑर्डर का भी ऐसे ही होगा, बट
थर्ड ऑर्डर में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस यूज़ करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो जाते हैं उसमें, तो ऑपरेशन ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो भी बहुत ईजी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अगर नए नए टॉपिक्स लेके आऊँ मैथ्स से रिलेटेड, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए, और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।